विकेट्स ऑल पाकिस्तान रिकॉर्ड गलौर और मोस्ट 50s इन वर्ल्ड कप अगर देखी जाए तो कौन है नंबर वन पे कौन है कीप गेसिंग एंड द गेस इज हियर बाबर आजम इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट तीन अभी तक उन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर कर दी हैं चार इनिंग्स सिर्फ खेली हैं और वही वाली आपकी बात कि बाकी जो भी इसमें आप नजर आ रही हैं आपको 50s वो आप देख लें इनिंग्स देख लें और 50s देख लें नहीं नहीं बिल्कुल बाबर हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट एंड व्हाट एन ऑनर फॉर पाकिस्तान टॉप फाइव में आप देख सकते हैं दो पाकिस्तानी यहाँ मौजूद हैं रिजवान की दो 50s थी आइडेंटिकल स्कोर 79-79 उन्होंने जो है वो स्कोर किए अपनी इन दोनों इनिंग्स में रिमेंबर और हम जो कल बात भी कर कोहली अभी आपको फिलहाल यहाँ और 16वें नंबर पे देखिए भाई अब आज देखिए ना अभी इन्होंने दो मैचेस भी खेले ना तो चले हम इनको एक एडवांटेज दे देते हैं हो सकता है अगले दो मैचेस में कोहली 50 स्कोर करके उनकी भी तीन 50s हो सकती है भाई बड़ा प्लेयर है इसमें कोई शक नहीं है एंड दिस इज इज टाइम टू शाइन और आज मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ मुजीब के ना होने से एक बहुत बड़ा एडवांटेज इंडिया को मिला है क्योंकि 8 ओवर्स मैं इंडियन कॉमेंट्स जो उनके इंडियन जर्नलिस्ट को पढ़ रहा था उनके जो एनालिस्ट को पढ़ रहा था वो उन्हीं 8 ओवर्स की बात कर रहे थे जो पाकिस्तान अपने मैच में कर रहा था कि इन 8 ओवर्स को इंडिया किस तरह खेलेगा विकेट नहीं देनी हम भी यही बात कर रहे थे इंडिया तो इस वक्त बहुत हम तो उस प्रेशर में ही नहीं थे जिस प्रेशर में इंडिया ये गेम खेल रहा है अब कोहली की बॉडी लैंग्वेज उसकी स्माइल उसके चेहरे से चली गई है यू कैन इमेजिन द सॉर्ट ऑफ आई एम प्रीटी श्योर ही इज नॉट लॉगिंग इनटू एनी सोशल मीडिया बट ऑल द स्माइल्स आई गेस ही इज and he's tweeting and he's still is deleting the manager kar raha hoga theek hai na but the thing is ke all the smiles on our face because icc ki t20 batting ranking bhi aa chuki hai aur usme sabse kamal baat ye hui hai ke babar azam is on the top unhone position chheen li hai david milan second pe hain and virat kohli is on fifth rizwan is on the fourth what a good start this is because सबसे ज़्यादा यही आ रहा था पाकिस्तान की बैटिंग पे T20 की बैटिंग पे किसी अच्छी नहीं कर रही हट लंबा हिट नहीं कर सकते तेज नहीं खेल सकते बट दे यू गो रिकॉर्ड स्पीक्स फ्रॉम देमसेल्फ्स बाबर इज लाइक एन एंटीथीसिस टू दैट कॉन्सेप्ट वो जो एक माइंडसेट होता है कि यार वो बस चौके जो है ये वाली इनिंग खेली जाती है T20 के नंबर वन बैट्समैन बनने के लिए बट बाबर एक्चुअली टेल्स यू कैन नहीं यू कैन टेक द लॉन्ग हॉल भी आप खेल सकते हैं अपनी इनिंग को स्ट्रेच करें जब बॉलर थकना शुरू हो जाता है जब बॉल पुरानी होनी शुरू हो जाती है विकेट में थोड़ी बहुत जो सीम वीम होती है वो ख़त्म हो जाती है तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है लेकिन यू गो आउट देयर आई मीन बाबर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वॉज द नंबर वन T20 बैट्समैन फिर डाविड मलान वैसे मुझे आई डोंट नो ये खैर इसके कोई ना कोई अल्गोरिथम या कैलकुलेशंस काम करती होंगी डाविड मलान ने क्या उस लेवल की इनिंग्स खेली थी या नहीं आई एम श्योर ही मस्ट हैव स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स जो बिकेम द नंबर वन प्लेयर बट नाउ बाबर हैज स्नैच्ड दिस पोजीशन आई थिंक इस वक्त जो सही मोटिवेशन चाहिए थी बिकॉज ऐसा लग रहा है दैट एवरीथिंग दैट पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज डूइंग राइट नाउ इज ब्यूटिफुल आई मीन सोशल मीडिया पे चीजें आ रही हैं टर्निंग इनटू गोल नाउ वी हैव गॉट द नंबर वन बैट्समैन बाबर ने एक बार फिर से इस पोजीशन को स्नैच किया है सो एंड आई वोंट बी सरप्राइज दैट बाय द टाइम ये वर्ल्ड कप खत्म होता है रिजवान भी कहीं इनके आसपास भी हमें भटकते हुए नजर ना आ रहे हैं व्हाट आई वांट इज कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो भी अब टॉप 10 में आ जाए ऑल्दो के शाहीन शाह अफरीदी हारिस स्ट्रॉक इन सब ने बड़ी लंबी लंबी छलांगे मारी है हाईएस्ट आई गेस शाहीन शाह अफरीदी है रैंकिंग में इस वक्त ऑन 13th नंबर बट लेट्स सी पाकिस्तान की तो हमने बात कर ली है स्टैट्स भी हमने आपको दिखा दिए हैं